हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू गाइस आर सेफ एंड गुड। जैसे आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं DSC के शूज़ लेने, जो कि 1,000, 2,000 और 4,000 रेंज के अंदर होगा। ये शूज़ बैट्समैन लोग भी यूज़ कर सकते हैं और बॉलर्स लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे शूज़ के डिटेल्स भी दिए हैं, एक्सप्लेन भी किए हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. हेलो सैफ भाई, कैसे हाय, हो? कैसे हो अरमान? बढ़िया बढ़िया यार, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुड, ऑल गुड। क्या चाहिए आपको आज? तो आज मैं आया हूँ एक बेसिक क्रिकेट शूज़ लेने के लिए। जी मैंने सुना आपके पास बहुत अच्छे शूज़ मिलते हैं। ऑलराउंडर्स के लिए चाहिए शूज़। कोई कोई बोलते हैं बॉलिंग करने के लिए डिफरेंट शूज़ पहनते हैं, बैटिंग के लिए डिफरेंट शूज़ पहनते हैं। तो मैं आज आया हूँ एक क्रिकेट शूज़ लेने के लिए। तो आप मेरे को एक 1,000, 2,000, 3,000 के अंदर शूज दिखाए। अच्छा वाला जरूर, आज पूरा नया स्टॉक आया है हमारे पास। जैसा आपको चाहिए वैसा हिसाब से आपको शूज मिलेंगे, आपके रेट के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से, आपके ग्रिप के हिसाब से हम अच्छा क्वालिटी के शूज दिखाएंगे आज। श्योर श्योर। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये मेरा गोदाम है, वहाँ पे हमारे पूरे शूज ब्रांड न्यू स्टॉक्स है। आज हम बात करेंगे DSC के बारे में। श्योर श्योर श्योर। सबसे पहले आपको पहला शूज दिखाता हूँ जो 1040 रुपीज़ का है। बेसिकली उनके लिए है जो एकदम फ्रेशर्स है, जो स्टार्ट करते हैं, बैटिंग के लिए अच्छा है, बॉलिंग के लिए अच्छा है। लोग पूछते हैं इसके लिए अलग शूज़ है, बॉलिंग के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज अच्छे शूज़ बनाते हैं, जैसा कि आप सोल देख रहे हो, इसमें ग्रिप कितने, रबर इसका क्वालिटी अच्छा यूज़ किया है। आपके बजट के हिसाब से ये शूज़ अच्छा है। तो इसका रेट कितना है आप बता सकते हैं? इसका रेट 1049 रुपीज़ है। अच्छा अच्छा। तो इसका कंफर्ट, इनसाइड कंफर्ट कैसा रहेगा? कंफर्ट इनसाइड आप देख सकते हैं, देखिए बेसिक्स के हिसाब से नॉर्मल सोल है, अच्छा है, ड्यूरेबल है, एक साल तक आप यूज़ कर सकते हैं इसे। तो ये मतलब हार्ड यूज़ कर सकते हैं? हैवी रफ यूज़ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे के लिए जैसा आपका टर्फ ग्राउंड है, ग्रास ग्राउंड है, जैसा मट्टी वाला ग्राउंड है, रेडी टू यूज एनी वेयर एंड एनी हाउ। ओके। तो बेसिकली दोनों बैट्समैन भी यूज़ कर सकते हैं, बॉलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जरूर, बैट्समैन और बॉलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं कितना अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, डिज़ाइन, कलर्स, व्यू सब अच्छा है इसका। तो आपको क्या लगता है ये प्राइस के हिसाब से वर्थ है? बिगनर्स के लिए ज़रूरी बहुत अच्छा प्राइस है, इसके कम भी आता है, मगर आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्राइस फॉर दिस शूज़ फॉर बिगनर्स। ये दूसरे शूज़ के बारे में बात करते हैं, DSC जाफर 22। जैसे कि ये शूज़ के बारे में क्या बताऊँ, ये एक अपग्रेडेड शूज़ है, IPL का फिनिश है, फैंसी शूज़ है, डिज़ाइन इतना अच्छा है, फंकी लुक है, उसके साथ सेम कंफर्ट भी है इसमें। डिज़ाइन के साथ आपको कंफर्ट भी मिलेगा। मीडियम प्रेसेस के लिए बहुत अच्छा है, पीछे ग्रिप ब्लैंडिंग के लिए ये बहुत अच्छा है, जैसे कि बड़े बड़े शूज़ हैं। तो ग्रिप भी लग रहा है यहाँ पे, जो बटन्स दिख रहे हैं क्वालिटी और ज़रा स्ट्रॉन्ग अपग्रेड किया है, अपग्रेड किया है, क्योंकि प्राइस भी अपग्रेड है। आप जो भी दूसरा कुछ लेने जाते हो अपग्रेड वर्जन, उसका प्राइस भी एक्स्ट्रा रहता है। DSC सेम कंपनी के है, ये अपग्रेड वर्जन है, इसका है 2099 रुपीज़। तो कंपेरिजन में पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट शूज़ और ये शूज़ में क्या डिफरेंस है, ये बता सकते हैं? एक्चुअली डिफरेंस सिर्फ क्वालिटीज़ का, थोड़ा अच्छा क्वालिटी एड ऑन कर देते हैं और कुछ नहीं है बाकी सब। जैसे जैसे प्रीवियस शूज़ में जैसे आप देखा है, एकदम एक सिंपल सा प्लेन चीज़ है, मगर यहाँ एक ग्रिप के लिए अलग ऐड ऑन किया है, ये अलग सोल ऐड ऑन किया है, डिज़ाइन अलग अलग चीज़ें रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो डिज़ाइन के कॉस्ट ज़्यादा। तो इसके ग्रिप के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जैसे कि मैं बहुत व्यूज़ आए हमारे ये शूज़ के बारे में, ग्रिप बहुत अच्छा है,
तो जैसे सैफ भाई भी बोल रहे हैं, आप सभी लोग पूछ रहे थे कि बॉलर्स लोग के लिए शूज़ रिकमेंड कीजिए, तो तीन शूज़ आज दिखाएंगे। बट मेरे को, मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक दिखा रहा हूँ कि ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा आप लोगों को। आप देख सकते हो फैंसी लुक्स भी है इसमें और इसके ग्रिप भी बहुत सही है, अंदर से कम्फर्ट भी है, बहुत ही कम्फर्ट है गाइस। नया शूज़ लॉन्च हुआ है रिसेंटली जो कि DSC जैफा 22 है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो गाइस ये है तीसरा DSC का सर्च 2.0 फियरलेस शूज़। तो इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? इसके बारे में क्या बताऊँ, यस इज अ हॉट केक शूज़, सबसे लाइट वेट शूज़ अब तक मैंने देखा है। पर्सनली मैं भी यूज़ किया हूँ, आई कैन बींग अ बैट्समैन आई थिंक आई कैन सजेस्ट यू दैट दिस शूज़। तो मेरे को लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तीनों शूज़ में, ये तीसरा शूज़ जो कि बहुत फेवरेट लग रहा है मुझे। इसका क्वालिटी, बिल्ड, कम्फर्ट जोन, लाइट वेट दोनों शूज़ से एकदम अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका सोल का डिज़ाइन एकदम अलग है इसका। एक्चुअली ओवरऑल मैं जहाँ तक देखूँ तीनों शूज़ में, यहाँ पे DSC का लोगो है इसके सोल्स में, आप देख सकते हो। तो इसकी क्या खासियत है, डिफरेंस क्यों बनाए हैं DSC? हर चीज़ का अलग अलग वेरिएंट होता है, सेम ये भी है। ये वेरिएंट सबसे हाईएस्ट मॉडल है अभी के लिए, और वेरिएंट आएंगे, अभी के लिए दिस द हाईएस्ट मॉडल। जो इसका खासियत ये है कि सबसे लाइट वेट शूज़ है कंपेयरिंग द अदर टू शूज़। अच्छा, दिस इज द लाइटेस्ट वेट शूज़ विद एवरीथिंग, लाइट है, अंडर सोल कम्फर्टेबल है, ग्रिप है, नेट फिनिशिंग है, और क्या चाहिए आपको। तो जैसे कि बहुत सारे क्रिकेटर्स लोग पूछते हैं सर अच्छे शूज़ चाहिए, अच्छे शूज़ चाहिए, तो अच्छे शूज़ का मतलब क्या होता है आप समझा सकते हैं कुछ ऐसा? मतलब क्या वो क्या चाहते हैं, कैसे कंफर्टेबल चाहते हैं, या ग्रिप वाइज चाहते हैं, या अंदर से कुशन अच्छा हो? देखिए अच्छा शूज़ का मतलब यह होता है आपको खर्च करना पड़ता है। अगर आप एवरेज हो, आपके एवरेज हिसाब से अदर शूज़ है 500 के भी हैं, बजट वाइज आपका जैसा बजट है वैसा है। देखिए आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। इफ़ यू स्पेंड लिटिल मोर यू लिव लिटिल मोर, सो आई सजेस्ट ईच एंड एवरी बैट्समैन टू बाई दिस शूज़। शूज़ नेम यू कैन सी इट हियर, यस जस्ट सर्च ऑन, कम टू अवर स्टोर, फाइंड आउट द शूज़। तो सैफ भाई मैं जानना चाहता हूँ कि इन तीनों शूज़ के बारे में आप कुछ बता दीजिए लास्ट में, इसका रेट वाइज और कौन सा आप रिकमेंड करेंगे अपनी तरफ से, जैसे ऑलराउंडर कौन सा यूज़ करे, बैट्समैन के लिए कौन सा अच्छा रहेगा और बिगिनर कौन सा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये शूज़ जैसे आप देख रहे हैं, ये आपको मैं ए ग्रेड बोलता हूँ, ए प्लस ग्रेड, इसका रेट है 4399। ओके, ये ऑलराउंडर्स बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा शूज़ है। जैसा कि आप ये शूज़ देख रहे हैं, इसका रेट है 2099। ये बॉलर्स के लिए बहुत खासियत शूज़ है, इसका जो ग्रिप है सबसे बेस्ट है, रिव्यू में हिसाब से ये सबसे अच्छा ग्रिप है। तो ये ए ग्रेड देता हूँ, वो ए प्लस ग्रेड देता हूँ, ये ए ग्रेड देता हूँ, और ये बी ग्रेड है। ये ऐसा शूज़ है, न्यूट्रल शूज़ है, हर कोई यूज़ कर सकता है। ये बेसिक मॉडल है, इसका रेट है 1099। तो वही बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए ये सबसे अच्छा शूज़ है, लाइट है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और बजट के हिसाब से। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप कौन सा रिकमेंड करेंगे मेरे लिए अभी? आपके लिए मैं श्योरली रिकमेंड करूँगा ये, थोड़ा एक्सपेंसिव है, मगर आई विल शो यू द कम्फर्ट लेवल, द लाइट वेट एंड द लॉन्ग लास्टिंग ऑफ द शूज़ आई कैन गिव इट टू यू। हाँ, श्योर श्योर। तो जैसे गाइस आप देख सकते हो सैफ सर ने मेरे को ये शूज़ रिकमेंड किया है, जो कि पिक मैं भी कर सकता था, बट एक्सप्लेनेशन के साथ, जो डिटेल्स के साथ ये मेरे को समझा कर ये शूज़ रिकमेंड किए। ये शूज़ रिकमेंड करने के लिए मैं अपने व्यूअर्स को भी यही बताना चाहता हूँ कि आप भी जब आप जा रहे हो स्पोर्ट्स शॉप में शूज़ लेने के लिए, अपने एक्सपर्ट्स जो रहते हैं उनसे पूछिए डिटेल्स में, मतलब बॉलर्स को कैसा शूज़ लेना चाहिए, बैट्समैन लोग को कैसा शूज़ सेट होता है, ये सब जानकर आप लीजिए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है? वरना आप जाकर ब्लाइंडली ले लेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। आई होप आप लोगों को ये मैं डिटेल्स में बोला हूँ कि बॉलर्स को कैसा शूज़ यूज़ करना होगा, बैट्समैन लोगों को कैसा शूज़ यूज़ करना होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला रहूँगा मैं, आप ये स्पोर्ट्स शॉप में आकर ज़रूर ट्राई करना,
बहुत डिस्काउंट में मिलेगा। A few moments later. तो गाइस आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप नए हो इस चैनल में प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, टाटा बाय।